आपसे जाने खबर आपको देंगे कराची से, जहां पर कराची समेत सिंध भर में कोरोना के बढ़ते केसेस, शहर में इंतहाई सख्त लॉकडाउन मुतवक्के। हमारे साथ कामिल आरिफ है, उनसे मजीद जानेंगे। कामिल आगाह कीजिए किस बारे में। हाँ जी, देखिए कोरोना के केसेस बढ़ते हुए रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो है सख्त लॉकडाउन मुतवक्का है। लॉकडाउन को गुज़श्ता साल की तर्ज पर लगाने का फैसला किया जा सकता है। सीनियर पुलिस अफसरान से सिफारिशात इस हवाले से तलब की गई है। फैसले का इतलाक इब्तदाई तौर के ऊपर कराची में हो सकता है, ये तमाम हमारे ज़राए बताते हैं। पुलिस अफसरान ने आला अफसरान से बजट का मुतालबा भी किया है। बजट के बगैर लॉकडाउन पुलिस के लिए कमाई का धंधा बन सकता है, ये एक आला अफसर ने तजवीज़ दी इस पूरे प्रोसेस में। जबकि गुज़श्ता लॉकडाउन में पुलिस को बजट दिया गया था, ये सीनियर पुलिस अफसरान को ब्रीफिंग दी गई है। अब तक 24 पुलिस एहलकार कोरोना से शिकार हुए हैं और उनकी मौत वाकई हुई है। जबकि हुकूमत सिंध ने कोरोना ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले एहलकारों के लिए 10 लाख रुपये इमदाद का ऐलान किया था, जो अभी तक नहीं मिला है। तमाम इस बात के ऊपर गौर किया जा रहा है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो किस तरीके से लॉकडाउन किया जाएगा, किस तरीके से शहर में जो है सख्त लॉकडाउन होगा, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। और जो एक लापरवाही हो रही है और बेहतियाती हो रही है, जिसकी वजह से केसेस में इजाफा हो रहा है, उसके ऊपर काबू किस तरह से फ्यूचर में पाया जा सकता है, इस तमाम चीज़ों की हिकमत अमली के ऊपर बातचीत की जा रही है आला सतह पर। जी कामिल, बहुत शुक्रिया आपका।